माय डियर फ्रेंड, एक जल्दी से मैं आपको ब्रीफ दिए दे रहा हूँ कि आज जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें कौन कौन से इंटरव्यूज़ आज हुए हैं। कल मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दी थी कौन कौन से इंटरव्यू अभी एकदम इमीडिएट फाइनलाइज हैं जिनको हम लोग फाइनल कर सकते हैं। कल भी बहुत लोग जो नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए भी हम लोगों ने कन्फर्मेशन आज का ले लिया है और लेते भी जा रहे हैं, जो कंडीट जैसे आते रहेंगे। बेसिकली एक जो प्रोफाइल अभी है इन इक्विन में रोज़ कोई ना कोई बंदे सेलेक्ट भी हो रहे हैं और उनके इंटरव्यूज़ भी रोज़ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। वहाँ से सर सेलेक्ट करके सुबह मॉर्निंग में 9:30 पे दे देते हैं, इनको भेज दिए 1.5 घंटे में। आज मैं कैंडिडेट को फ़ोन कर रहा हूँ बार बार, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, जबकि 3 दिन से मुझे वो बार बार बोल रहा है सर इसमें करा दीजिए, 11 बजे उसका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। और मैंने उनको वो भी बता दिया कि MIS के ये जो कैंडिडेट हैं, देखिए एक बात और समझिए, जिसका फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा, फ़ोन वो उठा नहीं रहे, कई कंपनीज में भेजने के बाद भी कोई ज्वाइनिंग ले नहीं रहे, टाइम से पहुंच नहीं रहे, उन कैंडिडेट्स को भी हम लोग रिकमेंड कम करते हैं कंपनी में, उनको रिकमेंड ज़्यादा करते हैं जो सिंसियर हैं, जिनका कहीं नहीं हुआ है और होने के लिए परेशान भी हैं और वो इमीडिएट ज्वाइनिंग लेंगे भी। और कई बार कई ज्वाइनिंग मिल रही है और सब में उनको कमियाँ दिखाई दे रही हैं कंपनीज में, तो उन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दिलाने का मतलब नहीं होता है। तो मैं आपको ये एडवाइस जरूर करूँगा कि थोड़ा सा अपने लेवल पर ये देखते रहिए और अपनी ज़रा परफॉर्मेंस को भी ठीक रखिए, आपकी जो इमेज होती है वो बहुत मायने रखती है। सुपर हाउस में परचेस मैनेजर की रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंट है, 30 से 35 का पैकेज है। लीगल मैनेजर का आज ही इंटरव्यू है, फैक्ट्री मैनेजर का भी इंटरव्यू अभी चल रहा है। बट आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि लेदर जो कंपनी है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस हो, जहाँ जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप फैक्ट्री मैनेजर हैं, जहाँ जस्टिफाई कर पाएंगे आप परचेज मैनेजर के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा है। इन इक्विन में एक्सपोर्ट में MIS का आज इंटरव्यू हुआ है, कल एक्सपोर्ट का भी हुआ है, डिस्पैच, टेक्सटाइल, MIS, अकाउंट, पैकेजिंग, डिस्पैच सब हैं। अब ये सारी प्रोफाइल के हम लोग तो सर्च कर ही रहे हैं, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की बनती है। OP कंसल्टेंट में MBA फिनांस की जिनको एक्सपीरियंस है उनकी इमीडिएट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पनकी ऑक्सीजन में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है सीनियर अकाउंटेंट की, तो उसमें जो सीनियर अकाउंटेंट के एक इंटरव्यू है, कुछ और अगर कैंडिडेट चाहते हैं तो उनके इंटरव्यूज और हो सकते हैं। सेल्स के बंदों की रिक्वायरमेंट भी इसमें है। अशोक मसाले में सेल्स और इलेक्ट्रीशियन लगातार रिक्वायरमेंट बनी हुई है। सितारा ग्रुप में जूनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। डीप न्यूमेटिक्स में कल इंटरव्यू सबके नहीं हो पाए, अकाउंट मैनेजर की प्रोफाइल है, 22, 20 प्लस 30 का पैकेज हो सकता है, GST, इनकम टैक्स, TDS इनको भी आता है। इलेक्ट्रिकल और ऑटो इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन के कैंडिडेट की ज़रूरत है। BK पैकवेल में डिस्पैच कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है, कल कुछ इंटरव्यू हुए थे। UI में स्टोर और डिजिटल मार्केटिंग के बंदे की रिक्वायरमेंट है। कपिला पशु आहार में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, रेड चीफ में गारमेंट मर्चेंडाइजर, 18 तक का पैकेज है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर में भी 18 तक का पैकेज है। गणेशा इको स्पेयर में HR ट्रेनी, फीमेल HR ट्रेनी की रिक्वायरमेंट है, इनसे भी आज कन्फर्मेशन मिलेगा। अकाउंट ऑफिसर की रिक्वायरमेंट इसमें है। कमल ग्रुप में एक बड़ी रिक्वायरमेंट आई है ऑपरेशन मैनेजर की, 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक का है, 5 से 7.5 लाख तक का पैकेज है। इनमें जिन्होंने ऑटोमोबाइल, जिसे स्पेयर पार्ट में जिसको जानकारी हो और जिसने ऑटोमोबाइल पैरेंट कंपनी में मेल में उनको रिप्लाई देना, पल पल भर का उनको अपडेट देना पड़ता है, वो देना आता हो, सारी उनसे बात करना आता हो, तो स्पेयर पार्ट में आपको बात करनी है। जिनका ऑपरेशन में अगर ऑटोमोबाइल का ऑपरेशन मैनेजर में अगर एक्सपीरियंस है, खासतौर से पैरेंट कंपनी जैसे मारुति या हीरो में जो बात करने का जो उनको तरीका और मेल भेजना सब उन्हें पहले से आता तो और अच्छा है। मिर्जा इंटरनेशनल में लेदर फिनिशिंग सुपरवाइजर की है। कमल ग्रुप में सीनियर अकाउंटेंट की है, जूनियर सेल्स की है। देखिए कमल ग्रुप में FMCG के सेल्स के भी चल जाएंगे, नॉर्मल फ्रेशर भी चल जाएंगे अगर वो इमीडिएट चाहते हैं। हाँ, बड़ा पैकेज इसमें अभी नहीं है, सीनियर प्रोफाइल में है, तो जो लोग इमीडिएट सेल्स चाहते हैं बिना टारगेट की सेल्स चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कलिंगा में सिविल साइट इंजीनियर, ऑटोकैड फीमेल सीनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। अशोक लीलैंड में रिक्वायरमेंट अभी स्टोर की लखनऊ के लिए है। शिवा निर्वियर में 2 सेल्स कैंडिडेट, मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। पंकी साइड 4 में DK प्रॉपर्टीज़ में टेलीकॉलर की रिक्वायरमेंट है, बसंत बिहार में। रतन हाउसिंग में MIS एक्सिक्यूटिव टेलीकॉलर चाहिए। नवस्था में कम से कम 15 फीमेल्स टेलीकॉलर चाहिए, उनको नवस्था के पास में रिक्वायरमेंट है। टेली हैंडलूम में मेल मेंबर और मैरिड फीमेल चाहिए इसमें इनको रिटेल सेल्स के लिए। मारुति में री इंश्योरेंस एक्सिक्यूटिव सेल्स रिसेप्शन वैल्यूएटर ये चाहिए।
टीवीएस में मैकेनिक चाहिए, भारतीय गुरु में सेल्स कैंडिडेट चाहिए, प्लस सेल्स कैंडिडेट जो जीप से ट्रेवल कर सके और सीनियर बंदा चाहिए, वोडाफोन में सेल्स बंदा के लिए रिक्वायरमेंट है, सालवनी में सेल्स बंदा चाहिए फीमेल ऑफिस प्रोफाइल के लिए चाहिए, रेनू ब्रॉडबैंड में सेल्स ऑफिस हार्डवेयर नेटवर्किंग एक्सक्यूटिव चाहिए, और सारी मैंने प्रोफाइल लिख दी हैं आपको, अगर आप देख लेंगे एक बार तो आपको और भी डिटेल सारी समझ में आ जाएगी। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन अभी इधर दो तीन लोगों का हुआ है, 7 से 8 कैंडिडेट हैं, ये भी मिर्जा इंटरनेशनल में, एक तो भी कल जो सिलेक्शन वैष्णवी का हुआ है वेयर हाउस में, जो फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें वैष्णवी का सिलेक्शन हो गया है, ज्ञानिश पांडे का भारतीय ग्रुप में हुआ है, दो जो बंदे ब्रजेश हैं उन्नाव का, और जो सिविल लाइन्स का एक बंदा है जनाल करके है बंदा, उसका भी सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन अमनामिका का भी सालवनी में हुआ है, नितेश तिवारी का बहुत दिनों के बाद में उसी कंपनी को पकड़े रहा तो हो ही गया आखिर में, अशोक लीलैंड में हो गया है। तो ये मेजर कैंडिडेट हैं जिनका अभी रिजल्ट पता चल गया कि इन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, कुछ लोगों के भी रिजल्ट पेंडिंग है, जो भी और भी आ जाएंगे तो और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। डेली जॉब न्यूज़ देखते रहिए, एक्टिव रहिए, जितना ज़्यादा फिजिकली मूव करेंगे कंपनी में उतनी ज़्यादा सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सिलेक्शन कैसे होना, जब आप कंपनी के पास जा रहे हैं रिज्यूम चेंज करके जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है पता कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन सब बातों का फर्क पड़ता है, मानिए इस बात को। सीनियर प्रोफाइल है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आज मैंने देखा अकाउंट्स के लगभग 25 से 30 के पैकेजेस के 12 से 14 सब सीनियर फंसे हुए हैं, निकाल नहीं पा रहा टाइम, कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है। आप सब लोग एक दूसरे को बताते रहिए, एक्टिव रहिए, मेरे ख्याल से सभी रिलेटेड प्रोफाइल्स हैं यहाँ पर, और आप चाहेंगे तो आपको वो लेबल के मिल भी जाएगा, तो आप इमीडिएट, लेकिन टाइम निकालना, जाना अपनी पूरी जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी में आप फंसे हैं उससे लेकर के 1 घंटे का टाइम निकाल के इंटरव्यू देना, फिर उस इंटरव्यू की फीडबैक देना, फिर बताना। ज्वाइनिंग उन चीज़ों से होती है, सिर्फ रिज्यूम बना देने से ज्वाइनिंग नहीं होगी, अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे, फिजिकली आएंगे नहीं, उस कंपनी में हुआ क्या ये बताएंगे नहीं, तो अपने आप ज्वाइनिंग होनी नहीं है। और अगर आपके फ़ोन स्विच ऑफ हैं, फ़ोन रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, फ़ोन मिला रहे हैं तो आपका आप बेल नहीं उठा कर रहे हो, फिर रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं केयरलेसनेस वाली उस इमेज में आ ही जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतनी एडवाइस करूँगा, आगे बढ़ते रहिए, mysurejob.com को भी देखते रहिए, mysurejob.com और डेली जॉब न्यूज़ के अंतर को समझिए। डेली जॉब न्यूज़ रोज़ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैं कुछ और भी अलग से बात आपको बता रहा हूँ, और लोगों को भी शेयर करिए कि हम क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियों की रिक्वायरमेंट है। कभी कभी एक छोटी सी चीज़ बताई जाती है, उससे ही लोगों की ज्वाइनिंग्स आ जाती है। मैंने अपनी बात आपको बता दी है, 10 लोगों को और भी बताइए, जिससे कि और भी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सके। सेल्स के बंदों की रिक्वायरमेंट आज बहुत सारी है, डिस्पैच की भी मैंने कल इंटरव्यू करा है, जो रह गए हैं वो दोबारा से आ सकते हैं। एचआर के प्रोफाइल एमपी और बिहार में जो लोग काम कर सकते हैं, एक अभी रिक्वायरमेंट है लखनऊ की मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है सिग्मा स्लॉटिंग की, जो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए भी मेरे ज्वाइनिंग है। जो अभी टेक्निकल के जितने भी हैं उन सबके लिए 3 से 4 जगह मैंने रिज्यूम मांगे हैं, चाहे वो बीटेक वाले हों चाहे डिप्लोमा वाले हैं। और कानपुर फर्टिलाइजर के लिए भी आप सब लोग अपने शेयरिंग रिज्यूमे चालू कर दीजिए, लेकिन रिज्यूम शेयरिंग के साथ साथ में आपको अपनी मेल आईडी से भी कोई कुछ एक टेक्स और फॉर्मेट भेजना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ भी कि कैसे क्या भेजना है। उसके लिए आपको एक बार फिर फेस टू फेस यहाँ पे आना भी पड़ेगा, लेकिन उस पर सिर्फ 30 लोग चुने जाएंगे जिनका हम लोग रिज्यूम सिलेक्ट करके भेजेंगे। मेरा सिर्फ कहना है कि इसको आप डिले मत करिए, क्योंकि मुझे इसको अगले 1 हफ्ते में फाइनल भी करके भेजना भी है। तो जो लोग चाहते हैं, केवल ये बस सोचिए कि कानपुर फर्टिलाइजर भी सबका होना है, पर उसके अलावा और भी अदर ऑप्शंस को देते देते इनमें भी कुछ लोग अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, पर उनको अपनी मेल आईडी से भी भेजना है और हमें भी भेजना है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट एक हो सकता है पार्ट कि किसी का जिसका सिलेक्शन होगा वो लकी हो सकता है, इसका नहीं होगा वो दूसरी जगह भी जा सकता है। बट जो आपके पैरामीटर हैं उनके कंपनीज के, उसमें आपके रिज्यूम में आपके परसेंटेज जरूर होने चाहिए। KFCL के लिए आपका रिज्यूम एक रेडी हो, जिसमें आपके सारे परसेंटेज, ग्रेड, आपने क्या काम किया, विद सर्टिफिकेट, क्या सब चीज़ें आपके पास में हैं, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे बताने के लिए नहीं कुछ हो गया। तो अगर आप चाहते हैं तो ऑथेंटिक चीज़ों के लिए आप एक बार कोशिश पूरी कर सकते हैं। कानपुर फर्टिलाइजर भी है, साथ साथ में मैंने आपको कल एक्सट्रूजन गुलाटी एक्सट्रूजन में दूसरे में बताया था, जिसमें इमीडिएट इलेक्ट्रिकल मैनेजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इन सब की रिक्वायरमेंट है। लखनऊ में मार्केटिंग के लिए कई कैंडिडेट हैं जिसके लिए सिग्मा स्लॉटिंग में रिक्वायरमेंट है, उसको भी इमीडिएट आप फाइनल कर सकते हैं। कानपुर में तो ही है, इवन जो पटना देखना चाहते हैं, बिहार देखना चाहते हैं, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है। 25 से 30 का पैकेज है मार्केटिंग का, जो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग देखना चाहते हैं लखनऊ के लिए और अदर एरियाज के लिए। तो आप एक्टिव हो जाइए, शेयरिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपके लिए तो नेचुरल है, और लोगों को बताइए, और आप खुद भी एक्टिव होइए। ये एडवाइस आपको। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़।